हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला पनीर लबाबदार। बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाएंगे और एकदम रेस्टोरेंट वाला ही टेस्ट आपको इसमें आएगा। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में एक बड़े चम्मच से तेल डाल दिया मैंने। उसमें डाल दिया एक सूखी लाल मिर्च, 3 से 4 छोटी इलायची, 4-5 लौंग और साथ ही मैंने यहाँ पे 4 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के। और इसको हमने अच्छे से भून लेना है। प्याज को बढ़िया से हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने 10-12 काजू डाल दी है। तो प्याज के साथ ही हम काजू भी डाल देते हैं और इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हल्का हल्का देखिए प्याज कलर चेंज करने लगा है, हल्का सा फ्राई हो गया है। तो अब यहाँ मैंने 3 टमाटर लिए हैं और टमाटर को भी हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे मैं इसमें 1 चम्मच से डाल रही हूँ खसखस या फिर पॉपी सीड और साथ ही नमक डाल देंगे ताकि टमाटर हमारे जल्दी से गल जाएं, पक जाएं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे खसखस की जगह मगज के बीज भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको ढक के हमने पकने देना है 5-7 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए 5-7 मिनट बाद टमाटर प्याज सब चीज़ अच्छे से पक गई है, बढ़िया से गल गई है। तो इसको हम ठंडा करेंगे और ठंडा करके पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ मैंने अब ले लिया है 400 ग्राम पनीर, जिसको कि मैंने इस तरीके से थोड़े से बड़े साइज़ में कट किया है। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच से हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें नमक और इसको हमने मिक्स कर लेना है। इस तरीके से हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ अब इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो अब यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी, उस पर 1 चम्मच से तेल डाल दिया है और ये पनीर हम इसमें डाल देंगे और इसको बस 2-3 मिनट के लिए ही पकाना है। बहुत ज़्यादा देर तक इसको हम नहीं फ्राई करेंगे, बस हल्का सा गरम तेल में हमने इसको चला लेना है। इससे पनीर हमारा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनेगा। तो इधर पनीर हमारा फ्राई हो गया है और जो ग्रेवी थी उसको भी मैंने पीस लिया है। प्याज टमाटर काजू का जो हमने बनाया था वो भी पीस लिया है। तो इसको हम क्या करते हैं, छान लेते हैं। छान के इस तरीके से अगर छलनी है तो उसमें छान के हम ले लेंगे। तो कोई भी अगर मोटा टुकड़ा मसाले का कुछ भी रह गया हो तो वो ग्रेवी में नहीं आएगा। इस तरीके से हम इसको छान लेते हैं। तो ये देखिए कुछ भी मोटा जो रह जाता है वो छलनी में रह जाता है और एकदम क्रीमी सा हमारा ये पेस्ट बनके तैयार हो जाता है। और जिसमें हमने पनीर को फ्राई किया था वही कढ़ाई ले ली और उसमें मैंने ऊपर से तेल नहीं डाला है, बस 2 बड़े चम्मच इसमें बटर डाल देंगे या फिर घी भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर 1 तेज़पत्ता डाल दिया है, साथ ही 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हम भून लेते हैं। जीरा को थोड़ा सा पक जाने देंगे। और अब यहाँ पे मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच से लहसुन और थोड़ी सी अदरक, उसको मैंने कूट के ले लिया है। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसको भूनने के बाद अब इसमें 1 चम्मच से कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ, 1 चम्मच से ही धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और इसको फटाफट से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम एकदम स्लो पे रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1/2 शिमला मिर्च ली है, जिसको कि छोटे छोटे टुकड़ों में ही मैंने कट किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं पानी डाल देती हूँ, बस 2 चम्मच के करीब, ताकि मसाला जले नहीं और अच्छे से भुन जाए। और शिमला मिर्च को भी मसाले के साथ ही हम डालेंगे, इसी के साथ डाल देंगे ताकि वो थोड़ी सी पक जाए। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है और मसाले देखिए हमारे अच्छे से भुन गए हैं बढ़िया से और शिमला मिर्च भी थोड़ी सी पक गई है। तो जो ग्रेवी हमने तैयार की है वो अब इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको हमने क्या करना है, ढक के थोड़ी देर के लिए पकने देना है, इसको थोड़ा सा भून लेना है। तो अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको हम ढक देते हैं और 5-7 मिनट के लिए बीच बीच में चलाते हुए इसको हमने पका लेना है। तो यहाँ मैंने इसको 5-7 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है, ग्रेवी अच्छे से पक गई है। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी मैंने यहाँ पे गर्म पानी ही डाला है, तो 2 कप के करीब इसमें पानी डाल देंगे या फिर आप अपने हिसाब से ग्रेवी के लिए पानी डाल सकते हैं। जैसे भी आपको ग्रेवी रखनी है अपने हिसाब से आप कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जैसे ही ग्रेवी में एक उबाल आने लगेगा इसमें डाल देंगे 50 ग्राम के करीब पनीर लिया है मैंने, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बार आप इस तरीके से पनीर लबाबदार बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और अब इसको जो पनीर हमने फ्राई किया था वो भी इसमें डाल देते हैं, और इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम ढक के कम 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ मैं इसको ढक देती हूँ, और ये 5 मिनट के बाद यहाँ पे ये अच्छे से पक चुकी है। ग्रेवी हमारी बढ़िया से पक गई है, तो अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, तो आधा चम्मच गरम मसाला, और साथ ही मैं यहाँ पे एक छोटी चम्मच से डाल रही हूँ गुड़। गुड़ वाला पाउडर जो होता है ना वो डाला है, ताकि इसका जो खट्टापन होगा वो बैलेंस हो जाएगा। एक चम्मच से कसूरी मेथी डाल दी है, भून के उसको हल्का सा क्रश करके डाला है, साथ ही हरा धनिया भी डाल दिया है। आप चाहें तो गुड़ की जगह चीनी डाल सकते हैं, या फिर आप शहद भी डाल सकते हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को मिला देंगे। मिलाने के बाद 2 मिनट के लिए बस इसको ढक के छोड़ देंगे, और 2 मिनट बाद देखिए एकदम बहुत ही टेस्टी सा पनीर लबाबदार बनके तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। बिल्कुल इसी तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एकदम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट इसमें आएगा। तो फ्रेंड्स ज़रूर से बना के ट्राई कीजिएगा। आप इसे रोटी पराठे नान किसी के साथ भी सर्व करेंगे ना, तो ये आपको सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ के साथ रेसिपी को शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।